अरवी के पत्तों के बड़े। तो आपको सीधे चाहिए 300 ग्राम बेसन, थोड़े से करीब 30-40 अरवी के ऐसे धुले हुए पत्ते। पत्ते ज्यादा बड़े मत लीजिएगा, छोटे छोटे पत्ते ही लें, उससे आवाज उसमें कसैलापन नहीं आता है। आधा चम्मच अजवाइन, एक चुटकी हींग, हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून सौंफ पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें, वैसे इसमें एक बड़ा चम्मच नमक डाला जाता है, कम से कम इतना तो डालना ही है, और हाफ टी स्पून और डालना। छोटी करीब 3 चम्मच इसमें ऑयल डालें और अब इसको पानी से मैश कर लें। ये देखिए, बेसन को आपको इतना ज्यादा लिक्विड फॉर्म में रखना है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखना है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा हार्ड कर देंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, बने हुए भी हार्ड बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखें। और ऑयल के लिए आप इसमें मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, देशी घी भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इतना लिक्विड फॉर्म में इसको आपको करना है। अब आप एक बर्तन पे एक पत्ते को फैलाते जाइए और इस तरह से उस पे पूरा कवर करना है आपको पत्ते को, थोड़ा ज्यादा बेसन से। आप इसके ऊपर दूसरा पत्ता रखते जाइए और कवर करते जाइए। करीब एक बार में एक रोल के लिए आपको करीब करीब 6 से 8 पत्ते चाहिए होते हैं। ये आप इस तरह से ऐसे रोल कर लें। रोल करने के बाद इसके ऊपर जितना भी आपका बेसन है इसको अच्छे तरह से बेसन से पूरा लपेट दें। इस तरह से रोल्स रेडी हो जाएंगे। अब आप एक कुकर में थोड़ा सा पानी लें, गरम पानी लेके उसे थोड़ा सा पानी लेना है। मैं एक कुकर में आप इतना पानी लें बस कि वो नीचे नीचे ही रहे बस। और अब आप उसमें बहुत हल्के हाथ से एकदम कायदे से सारी बेल सारी ये जितने भी रोल्स हैं इस तरह से रख दें। अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो आप इसे 2 बार में भी रख सकते हैं। और इसे कुकर में बंद करके करीब 1 सीटी लगा के देख, बहुत ज्यादा तेज आंच में नहीं और बहुत ज्यादा सिम में भी नहीं, मीडियम आंच में इसको आप रख के 1 विसल बस आने दें। आपने देखा, मैंने आपको बताइए जैसा कि मैंने बताया, आप इसे कुकर में डाल के अब इसे 3 विसल मार, 3 विसल लगा दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इसे पीसेस में काट लें, चाकू से बारीक पतले पतले स्लाइसेस काट लें तो ये इस तरह से स्लाइसेस आएंगे आपके कलरफुल। आप इसे काट लें और अब आप एक पैन में आप ऑयल गरम करें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें आप ऑयल नहीं, आप करीब इसमें थोड़ा ऑयल ज्यादा लगता है इसलिए आप 4 टीस्पून ऑयल इसमें डालें पैन में।
उसके बाद इसमें 2 छोटे चम्मच सरसों दाना चटका लें। और चूंकि ये बेसन का चीज है और अरबी के पत्ते हैं तो ये आपको पेट में दर्द हो कभी कभी होता है, किसी को छूट नहीं होते, उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी हींग भी डाल दें। तड़के में ही आपको, ऑयल में ही आपको 1 चुटकी हींग डाल दें। अब आप इसमें ये आप थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून सौंफ पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल लें। हालांकि इसमें हम सब कुछ पहले से डाल चुके हैं बट फिर भी आप डाल सकते हैं और उसके टेस्ट अच्छा आ जाता है। इसमें आपको नींबू भी डालना है, नींबू डालने से इसमें जो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अगर आप नींबू पसंद करते हैं तो 1 नींबू इसमें आप पूरा 1 नींबू अच्छे से निचोड़ दें। ये देखिए अभी आपका एज अ स्नैक्स ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको स्नैक्स के साथ स्नैक्स में ले सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में, मॉर्निंग स्नैक्स में, आप कैसे भी ले सकते हैं। ये देखिए ये आपके कटलेट्स तैयार हैं। अब आप इन्हें स्नैक्स में खा सकते हैं, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बहुत डिलीशियस होते हैं। बस अब एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें नींबू थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसमें नींबू का विशेष ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे और बनाइएगा और मुझे बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू और थैंक यू वेरी मच।